सोशल मीडिया पर एक वीडियो मंगलवार को काफ़ी तेज़ी से वायरल हुई। वायरल वीडियो जनपद हापुड़ के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि किस तरह नाव में सवार लोग नदी में बालिका का शव फेंक रहे हैं। जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। हापुड़ के अपर पुलिस अधीक्षक विनीत भटनागर ने बताया कि शव को गंगा में प्रवाहित किया जा रहा है। इस संबंध में थाने पर कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी, लेकिन प्रकरण की जांच करने पर पता चला कि प्रथम दृष्टया बालिका की मृत्यु सर्पदंश से होना प्रतीत हुई है। बालिका के परिजन स्थानीय परम्परा के अनुसार शव को गंगा जी में प्रवाहित कर रहे हैं। एक सोशल मीडिया सर्कल्स पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक बालिका को गंगा जी में प्रवाहित किया जा रहा है। इस संबंध में थाने पर किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं थी, लेकिन इसकी गंभीरता को देखते हुए इसके बारे में जानकारी करी गई है। तो प्रथम दृष्टया ये पता चला है कि थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र की एक बालिका जिसकी सर्पदंश से मृत्यु हो गई थी, और उसके परिवार के ही लोग, जिम्मेदार लोग, उसके शव को स्थानीय परंपरा के अनुसार गंगा जी में प्रवाहित कर रहे हैं। परंतु इस घटना की गंभीरता के दृष्टिगत इसमें गहराई से छानबीन की जा रही है। यदि किसी प्रकार के कोई अपराध का या वैधानिक घटना का होना पाया जाएगा तो उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ एएसपी ने कहा कि घटना की गंभीरता से जांच की जा रही है, यदि किसी प्रकार के अपराध का होना पाया जाता है तो आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।